नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों सीटेट नोटिफिकेशन 2022 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीटेट का आज दोस्तों रिवाइज रिजल्ट भी जारी हो चुका है और सीटेट के नोटिफिकेशन को इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 35 लाख से ज़्यादा फॉर्म इस बार भरे जाएंगे। दोस्तों तीन पेपर को लेकर भी अपडेट आ रही है कि तीन पेपर हो सकते हैं, हालांकि इस पर ऑफिशियल तौर पर न्यूज़ नहीं है, लेकिन सीटेट के नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, परीक्षा तिथि को लेकर आप सबके लिए अच्छी खबर और ऑफिशियली खबर इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी छोटी रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको सीटेट नोटिफिकेशन 2022 की लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही सीटेट का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने को लेकर अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सीटेट का नोटिफिकेशन, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। इसी सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा जुलाई 2022 में आयोजित करवाने को लेकर संभावना है। दोस्तों हालांकि जुलाई अगस्त में एग्जाम होगी। नोटिफिकेशन अभी दोस्तों आपके दो पेपर होते हैं, प्राथमिक पेपर और द्वितीयक पेपर, या इसे आप उच्च प्राथमिक पेपर कह सकते हैं। दोस्तों कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए पहला पेपर होता है और पेपर सेकेंड आपका 6 से 8वीं तक के लिए होता है। लेकिन दोस्तों दूसरे पेपर का जो और पहले पेपर का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो एक साथ ही जारी किया जाता है, लेकिन तीसरे पेपर को लेकर भी अपडेट है। हालांकि इसको लेकर ऑफिशियली तौर पर अपडेट जो है आनी बाकी है, उसके बाद ही दोस्तों इसको कुछ कहना सही रहेगा। सीटेट का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, इसी जो है सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ पर अगर आप एग्जाम डेट पर गौर करोगे दोस्तों तो ये देख सकते हैं जुलाई अगस्त में परीक्षा प्रस्तावित है। CBSE के तत्वावधान में जुलाई अगस्त में सीटेट परीक्षा प्रस्तावित है और इसकी अधिसूचना मई के अंत तक या फिर जून में जारी हो जाएगी। तो दोस्तों अब नोटिफिकेशन इसी सप्ताह में कभी भी जारी हो सकता है। 35 लाख से ज़्यादा छात्र इसके लिए नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, फॉर्म भरेंगे। अमूमन दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी होता है वो मार्च अप्रैल में ही आ जाता है जुलाई वाला, लेकिन इस बार थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि CBSE बोर्ड की परीक्षाएं भी देरी से स्टार्ट हुई हैं। दिसंबर 2021 में 35.5 लाख छात्रों ने सीटेट की एग्जाम दी थी। इस बार दोस्तों सीटेट की एग्जाम 35 लाख से ज़्यादा छात्र देंगे और सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपकी CTET NIC.in, जी हाँ दोस्तों CTET NIC.in पर जारी किया जाएगा। यहीं से आप अपना जो है ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन सब चीज़ यहीं से कर सकते हो। दोस्तों इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप समय समय पर वेट करते रहें और नोटिफिकेशन इसी सप्ताह में आएगा। सिलेबस में बदलाव को लेकर अपडेट आ रही है दोस्तों, ऑफलाइन एग्जाम होगी इस वजह से सिलेबस में भारी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आपको पढ़ने के लिए समय भी दिया जाएगा, टॉपिक वही रहेंगे, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सीटेट की लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।